नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए जहां नवयुवकों में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं 80 साल से अधिक के बुजुर्ग भी पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक ऐसा दृश्य को देखने को मिला जिसने लोकतंत्र के इस महापर्व के महत्व को आसानी से समझा दिया। ट्रेन एक्सीडेंट में घायल एक युवक जो अपने पैरों से अपाहिज हो चुका है, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए वह खुद की एम्बुलेंस करके पोलिंग बूथ तक पहुंचा। एम्बुलेंस से पोलिंग बूथ तक पहुंचे वार्ड क्रमांक 40 के निवासी सुरेंद्र बंसल ने बताया कि भोपाल में एक ट्रेन एक्सीडेंट के कारण उसके पैर की हड्डी टूट गई। वह चल फिर नहीं सकता, लेकिन अपने मत का प्रयोग करने के लिए वह खुद की एम्बुलेंस करके गवर्नमेंट क्रमांक 2 में बनाई गई पोलिंग बूथ तक पहुंचा है। यह दृश्य देखकर प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और सुरेंद्र बंसल ने अपने मत का प्रयोग किया। मैं आप और आज वोट डालने आए हैं आप और इस हालत में जी। मेरा नाम सुरेंद्र बंसल है जी और मैं यही वार्ड नंबर 40 का हूँ और मेरा स्पाइनल कार्ड इंजरी ट्रेन दुर्घटना में मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और जिस कारण मैं चल फिर नहीं सकता हूँ। मैं अपना वोट डालने आया हूँ। तो एम्बुलेंस की व्यवस्था कहाँ से हुई? मैं अपना निजी किया हूँ। निजी किया हूँ एम्बुलेंस। आप एम्बुलेंस करके आए हैं तो घर से आए हैं कि कहीं हॉस्पिटल से? घर से आए हैं एम्बुलेंस में। अभी मेरा फिजियोथेरेपी चलता है, इलाज चलता है। एक्सीडेंट कैसे हो गया था? मेरा ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट कहाँ? भोपाल में। ठीक। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे